भारत को साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और साल 2011 में वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अब क्रिकेट से संन्यास लेकर नेता बन गए हैं। साल 2019 में ही बीजेपी में शामिल होकर नई पारी शुरू करने वाले गौतम गंभीर को सियासत में आए एक साल हो गया है। इस मौके पर गंभीर ने ट्विटर पर अपने तमाम फैंस को सवाल पूछने का मौका दिया। इस दौरान एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछ लिया कि आप इतने पाकिस्तान विरोधी क्यों हैं? जिस पर गंभीर ने भी शानदार जवाब दिया। दरअसल गौतम गंभीर जब क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों से वो अक्सर भिड़ते थे। शाहिद अफरीदी तो जैसे उनके निशाने पर रहते थे। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी दोनों क्रिकेटर एक दूसरे से सोशल मीडिया पर टकराते रहते हैं। यही वजह है कि गंभीर ने जब ट्विटर पर फैंस को #askGG के जरिए सवाल पूछने का मौका दिया तो एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर जमीनी सिद्दीकी ने गंभीर से पूछा कि आप इतने ज्यादा पाकिस्तान विरोधी क्यों हैं? इस पाकिस्तानी ट्विटर यूजर के सवाल का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने लिखा, मैं पाकिस्तान विरोधी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय पाकिस्तान विरोधी है। जब हमें अपने सैनिकों के जीवन और किसी दूसरे के बीच चुनना हो तो हम सभी एक ही तरफ होंगे। गौतम गंभीर का इशारा साफ था कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय सेना की जान और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वो भारतीय सेना को ही चुनेगा, पाकिस्तान को नहीं। गौतम गंभीर ने इस जवाब के बहाने आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है, जो सीमा पार से फायरिंग करते हैं, आतंकवादियों को भेजकर पुलवामा हमले को अंजाम देते हैं। बता दें, गौतम गंभीर भारत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भी कई मौके पर लताड़ चुके हैं। इस साल अप्रैल में भी गंभीर ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी करने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था, अफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे जोकर पाक और उसके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन कयामत के दिन तक कश्मीर नहीं मिलेगा। वैसे आपको बता दें, गौतम गंभीर इससे पहले साल 2019 में एक पाकिस्तानी परिवार की मदद भी कर चुके हैं। पाकिस्तान का एक परिवार अपनी 6 साल की बच्ची की हार्ट सर्जरी के लिए भारत आना चाहता था, जिनकी मदद के लिए गौतम गंभीर आगे आए और विदेश मंत्रालय से अनुमति देने की अपील की थी और कहा था कि उस पार से एक नन्हे दिल ने दस्तक दी, इस पार दिल ने सब सरहदें मिटा दी। उन नन्हे कदमों के साथ बहती हुई मीठी हवा भी आई है। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे बेटी घर आई है। इस बच्चे की मदद करने पर गौतम गंभीर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान सरकार, ISI और आतंकवादियों से समस्या है, लेकिन अगर एक 6 साल की बच्ची भारत में इलाज चाहती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।